ये किताब आदमी को आईएएस बनाती है, ये बहुत प्यारी चीज है, इसको जो खत्म कर ले। इससे लोग आईएएस बनते हैं अनसॉल्व से, और इसको पूरी तैयारी में लोग टच ही नहीं करते। इसको जो खत्म कर ले समझ लो उसकी तैयारी हो गई, पढ़ने का मुद्दा ही नहीं है। देखो जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उससे अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन उसको जानना जरूरी है, वो कभी भी वहां से टॉपिक ले सकते हैं। तो आज मैसूर पढ़ाएंगे, उसके बाद मराठा और पंजाब का नोट्स देंगे। अप्रोच, हाँ बिल्कुल, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल मूवमेंट। मैसूर, सत्रह सौ बयासी पैदा तो ये आदमी हुआ 1721 में, 1721 इसने अपना कैरियर शुरुआत किया एक सिपाही के रूप में। लेकिन मैंने पिछले क्लास में कहा कि क्राइसिस, संकट जो है वो अवसर है। क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पर्सन। वो जो योग्य व्यक्ति है उसके लिए संकट एक अवसर है, क्योंकि लोग जब परेशान होंगे तब भी वो आपको याद करेंगे। उसके पहले आपको कोई याद नहीं करेगा। लोग जब परेशान होंगे तब आपको याद करेंगे। वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है, ठीक। और इसी संकट का फायदा उठाया हैदर अली ने। और सबसे पहला काम इस आदमी ने किया कि ये जो इन्वेजन्स हो रहे थे, किसके, मराठा और निजाम के, उसको इस आदमी ने नियंत्रित किया। कमजोर राजा, समृद्ध क्षेत्र, वीक रूलर और प्रॉस्परस स्टेट,
लिखना है ये सब, वीक रूलर एंड प्रॉस्परस स्टेट, किसने फायदा उठाया? मराठा और निजाम ने। मराठा और निजाम, वीक रूलर एंड प्रॉस्परस स्टेट, कमजोर राजा और समृद्ध राज्य, तो अगल बगल वाले तो लूटेंगे ही ना। तो सबसे पहला काम इसने क्या किया कि मराठा और निजाम के जो इन्वेजन थे उन पर नियंत्रण किया, उनको संभाला। कैसे? आर्मी को स्ट्रांग किया। यूरोपियन स्टाइल में आर्मी मेंटेन की, यूरोपियन स्टाइल में, यूरोपियन स्टाइल, डिसिप्लिन्ड आर्मी, इन्फेंट्री। और 1755 में, 1755 में इस आदमी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था दिंडीगुल में तोपखाने की स्थापना, कैनन फैक्ट्री। दिंडीगुल में कैनन फैक्ट्री, तो मराठा और निजाम के आक्रमण को नियंत्रित किया। कैसे? आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, यूरोपियन स्टाइल में आर्मी बनाई और दिंडीगुल में कैनन फैक्ट्री की स्थापना की। और इन सब का परिणाम यह रहा कि 1761 में यह बन गया डी फैक्टो रूलर, मतलब अब सारा आदेश इसका। डिफैक्टो मतलब अब इसी के आदेश, अब इसके आदेश के सिवा किसी का कोई आदेश मान्य नहीं। जब भी किसी व्यक्ति को आप संकट से बाहर निकालोगे तो वो आपका सम्मान शुरू कर देगा। इसने निकाला वीक रूलर प्रॉस्परस स्टेट, उस बैकग्राउंड में इसने क्या किया, राज्य को बचाया, राज्य को बचाया, इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई। तो 1761 से डिफैक्टो रूलर, अब रूलर के रूप में इसने क्या किया, एम्फोसिस ऑन सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पर बल, एम्फोसिस ऑन सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पर बल। एविडेंस, कॉइन्स, इसके जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, उस पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। हालांकि वो पुराने ही सिक्के थे चिक्का कृष्ण राजा के, लेकिन इसने उसको जारी रखा। तो इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। धर्म, अगर दुनिया में 100 लोग होंगे ना आज की डेट में, तो सिर्फ 2 लोग समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है। बस सिर्फ 2 लोग। इसीलिए जब कोई वास्तविक धर्म की बात करता है तो बाकी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। तुम देखो जितने संत हुए, महापुरुष हुए, इनको बहुत लोगों ने मारा। अरे तुम हजरत मोहम्मद को देखो, ताइफ में कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है, तुम बस सोच के देखो, कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है और कह रहा भैया शांति से रहो, भाईचारे से रहो, उसको मारोगे? मत सुनो उसकी बात। लेकिन लोगों ने मारा, इस पे ध्यान दो। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं,
उनको लोग पागल भी तो मान सकते थे, लेकिन कोई बात रही होगी तब लोगों ने मारा। अगर लोग मार रहे हैं इस, तुम बस इमेजिन करो तुम्हारे मोहल्ले में कोई आया, उसने कहा भैया मोहल्ले के लोग प्रेम से रहो, आपस में भाईचारा करके रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, अब इस बात पे कौन मारेगा बताओ? क्योंकि तुमने सोचा इस बात को, तब पर भी लोगों ने मारा। भाई कोई तुम्हारे मोहल्ले में आके ये कहे कि दूसरे की संपत्ति लूट लो, दूसरों की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो, तब तुम उसे मार रहे हो तो बात समझ में आ रहा है, जो तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा है। उसकी सिर्फ एक वजह है, जब भी तुम्हें कोई परिवर्तन के सूत्र बताएगा, थ्योरेटिकली तुमसे बातें की जा रही कोई फर्क नहीं है, पंडित मौलाना पुरोहित पादरी, ये तुमसे थ्योरेटिकली कोई चीज बता रहे हैं, ये तुम्हें बाहर से धार्मिक बना रहे हैं, बाहर से चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये सब बाहर से। लेकिन कुछ लोग जब आते हैं ना तो वो तुम्हें अंदर से बदलने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत लोगों ने सिद्धार्थ की तरह अपना घर छोड़ा, लेकिन सब बुद्ध थोड़ी बने, क्यों? सब बुद्ध क्यों नहीं बने? अंदर से चेंज नहीं आया। यही बात मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि बाहर कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार दो सन्यासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी, नदी की धारा तेज थी। तो उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। तो बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। स्त्री खतरनाक तो है ही है, तो उसने सोचा कहीं मैं स्त्री को छू लूं तो मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, 30 साल से साधना कर रहे हैं, ये बवाल नहीं करना है। पानी में एंटर कर गए। जब वो बीच नदी में पहुंचा तो उसने सोचा कि यार मेरे साथ एक लड़का भी है, यंग आदमी। तो पलट के उसने देखा तो जो यंग सन्यासी था उसने स्त्री को अपने कंधे में बिठा रखा था। अब बाबा जी को तो आग लग गई शरीर में, उसने स्त्री को वहीं उतार दिया नदी के किनारे। दोनों फिर आश्रम की तरफ बढ़े। तो जब आश्रम के दरवाजे में पहुंचे तो उस बुजुर्ग सन्यासी ने उस यंग सन्यासी से कहा कि गुरुजी से शिकायत करूंगा, आज तुमको निकलवा दूंगा आश्रम से। उसने कहा क्यों? कहा तुमने एक लड़की को अपने कंधे बिठाया है। अरे उसने कहा गुरुजी मैं तो नदी के किनारे उतार आया, आप तो अभी भी बैठाए हो। ना गुरुजी मैं तो उतार आया, अब तो है ही नहीं मेरे मन में। इसलिए बाहर से कुछ छोड़ना उपलब्धि नहीं है, अंदर से। आज जो हिंदू हैं ये बाहर से हिंदू हैं ज्यादातर, उनकी औकात है विष पी लें। ये जो बाहर मुसलमान है आज, ये बाहर से मुसलमान है, इनके अपने घर में लोगों को नहीं पूछते खाना खाएगी नहीं, ये
मोहम्मद साहब कहते हैं तुम्हारे घर के 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, कोई भूखा ना सोए। ये मानते हैं, इनके खुद के घर में लोग भूखा सो रहे हैं। सब फर्जी है, सब फर्जी है। भगवान शंकर कौन? जो दूसरे का जहर पी ले, जो दूसरे का कष्ट हर ले। जहर थोड़ी बाजार में गए, जहर ले आए पी लिए। भाई कोई परेशानी है, आपने उसकी परेशानी में अपनी भूमिका निभा दी, आप उसके लिए भगवान ही हो गए। किसी को आपने मुसीबत से निकाला, आप उसके लिए भगवान नहीं हुए? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, दिमाग पर ध्यान दो। और 5 साल बाद जिस तरह से 1970 में ड्रामा देखने का एक ही रास्ता था, पिक्चर हॉल, 1970 में, और 1970 में पिक्चर हॉल जाने पे लोग शर्माते थे, बड़ा बुरा माना जाता था। कभी कदार कोई मूवी देखने जाता था, और जाता भी था तो गमछा वमछा चद्दर उद्दर लपेट के आता था। घर वाले तो बहुत मारते थे अगर मूवी देखते पकड़ ले तो। 1990 में ये ड्रामा घर घर पहुंच गया टीवी। 1970 से 90 तक संडे को एक फिल्म आती थी बस दूरदर्शन पे, और ऐसी फिल्म आती थी कोई देखता ही नहीं था, घड़े का चोर, पता नहीं किस जमाने में बनी है, क्या कहानी है, कोई देखता ही नहीं था। 2000 में ये ड्रामा हर जेब में पहुंच गया। सत्तर, नब्बे, 2000, यह हर जेब में पहुंच गया। तुम 24 घंटे टीवी देख सकते हो। तो जब यहां आदमी बेचैन होता था तो ध्यान करेगा, पढ़ेगा, घूमेगा, एक्सरसाइज करेगा, टाइम है उसके पास, और ऑप्शन ही नहीं है। यहां यहां वो हल्का सा परेशान होगा, यूट्यूब खोल लेगा। आज से ठीक 5 साल बाद तुम देखना, गारंटी आधी जनसंख्या इस देश की पागल होगी, और उसको साथ रहने के लिए हमें भी बनना पड़ेगा। पागलों के साथ तुम बिना पागल हुए नहीं रह सकते। अगर कोई सामने ऐसे से नाच रहा हो, तुम नहीं नाच रहे हो, तो उनको डिस्टरबेंस हो जाती है, ये पागल है, और फिर वो तुम्हें बहुत मारेंगे। इसीलिए सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है, मनन करने की क्षमता, गलत सही देखने की क्षमता खत्म होती जा रही है। मतलब मन की जो शक्ति है ना, वो खत्म होता जा रहा है। तो धर्म जो है वो व्यक्ति को परिवर्तन करने की बात करता है। ये धर्म का फंडामेंटल फॉर्मूला है कि तुम इंद्रियों पे तुमने जीवन शुरू किया है, और ये वास्तविक जीवन नहीं है, तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। हर धर्म यही कहता, हर धर्म। खुद को बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें इस नीचे के स्तर से उठकर ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा कोई धर्म ही नहीं जो ये ना कहता हो।
अब ये बात जिसको समझ में आ गई वो महान हो गया, उसे मतलब ही नहीं, उसके मन में किसी के लिए द्वेष ही नहीं, क्योंकि जब सब एक ही बात कह रहे हैं। धर्म में अंतर कहां है? कल्चर को लेकर। धर्म में अंतर कहां है? कल्चर, क्योंकि कल्चर किस पर डिपेंड करता है? और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कश्मीर, तमिलनाडु, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ज्योग्राफी गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो जिस देश में डाइवर्सिटी है वहां तो धर्म निरपेक्ष होना ही पड़ेगा। तो इसको यह बात समझ में आती थी तब जब यह इलिटरेट था, अनपढ़। माँ बाप का पता ही नहीं, परिवार का पता ही नहीं, पहला काम इसने ये किया। दूसरा काम, राज्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, भाई अभी इन्वेस्टर सबमिट हुई यूपी में, निवेशक आए कि साहब हम यूपी में पैसा लगाना चाहते हैं। अब तुम देखो, अभी इन्वेस्टर सबमिट हुई, बाहर से बिजनेसमैन आए कि साहब हम यूपी में पैसा लगाना चाहते हैं, उसी समय इलाहाबाद में कांड हो गया दिन दहाड़े। अब इन्वेस्टर का कहना, भैया तुम्हारे यहां ना पैसा लगाएंगे, जिसके साथ गनर है उसको मार दिया, तो हम हर मैनेजर को कहां से गनर देंगे? कैसे देंगे गनर हर मैनेजर को, हर बिजनेसमैन को? तुम्हारा वो पार्क है, झील 9 बजे बंद हो जाता है। अब उससे कह रहे हैं जो बाहर लड़के बैठते हैं जो पार्क का देखभाल करते हैं, उससे कह रहे हैं अरे आधा घंटा और खोल लो, मैं कब बिगड़ जी कुछ लो। अरे भैया नियम है कि 9 बजे बंद हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे नियम है, आधा घंटा और बैठे रहो। इस एरिया में कानून तोड़ना को गौरव माना जाता है। भगवान कृष्ण भाग गए गुजरात, बोले अबे कितना लड़े यार, बचपन से लड़ी रहे हैं। कितना चले गए। इसीलिए योगी जी बहुत सूटेबल आदमी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वही 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 व्यक्तित्व चला सकता है कि तुम एक चाटा मारो 500-600 चाटा मार दिए, तब तुमको लगा हाँ हाँ बढ़िया राजा है भैया ये। तो दूसरा काम इसने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा काम, आर्मी। बता दिया मैंने, आर्मी यूरोपियन स्टाइल प्लस तोपखाना, तोपखाना। फोर्थ, स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन। स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इससे क्या हुआ, अब गौर करना, मैसूर समृद्धि का क्षेत्र, मैसूर द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मैंने बताया पिछले क्लास में। तो अगर ये प्रॉस्पेरिटी का स्टेट कमजोर होगा, इफ इट विल बी वीक
तो किसको फायदा होगा? मराठा को, निजाम को और यूरोपियन मर्चेंट्स को। मनमानी करेंगे ना, जोड़ो इसे। अगर ये स्टेट कमजोर रहेगा तो फायदा होगा मराठा को, फायदा होगा निजाम को, फायदा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सब कमजोरी का फायदा उठाएंगे। किसने क्या किया? ताकतवर बना दिया। बात कनेक्ट हुई? हाँ, बात कनेक्ट हो गई ना। बनाओ बनाओ उसको। यही डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है कि लड़ाई क्यों शुरू हुई। बात कनेक्ट हुई? ये बात कनेक्ट हो गई ना। हाँ, जुड़ गई बात। तो तीनों आदमी ने मिलकर क्या किया? गैंग बनाई। मराठा, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी, तीनों ने अलायंस बनाया। लिखो, देयरफॉर दे क्रिएटेड अलायंस। मराठा निजाम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। समझौता किया, अलायंस बनाया। हैदर अली को पता चल गया कि इन तीनों ने समझौता किया है। उसने मराठा और निजाम को बुलाया, कहा कितना परसेंट दे रहे हैं ये लोग? बोले साहब 10% दे रहे हैं। कहा 15, हमसे ले लो। मराठा निजाम का, हम तो लोकल लोग हैं, भाई हैं आपस में, दोनों इधर आ गए। अब मराठा निजाम आ गए हैदर की तरफ। मराठा निजाम और हैदर अली तीनों ने मिलकर मद्रास को घेर लिया। क्यों? तुम्हारी इतनी औकात? तुम यूरोप से आके और हमारे खिलाफ गैंग बनाओगे? और यहीं पर हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, 1767 टू 1769। लिखो, हैदर अली सक्सीडेड इन ब्रेकिंग द अलायंस। हैदर अली सक्सीडेड इन ब्रेकिंग द अलायंस। हैदर अली सक्सीडेड इन ब्रेकिंग द अलायंस। And brings Maratha and Nizam on his side. And brings Maratha and Nizam on his side. Maratha and Nizam on his side. The new alliance. Alliance encircled Madras. The new alliance encircled Madras. क्या किया? मद्रास का घेरा डाल दिया। This led to first Anglo-Mysore war. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू
1769, East India Company was defeated. East India Company was defeated and was forced for the Treaty of Madras 1769 was forced for Treaty of Madras. Treaty of Madras 1769 completely based on likho completely based on the term and conditions of Hyder Ali completely based on the terms and conditions of Hyder Ali ये बहुत सही बात तुमने कही कि ये अनपढ़ था जाहिल नहीं था. तुम्हें कुछ करना ही नहीं जीवन में, तुमको सिर्फ समाज को देखना है, ये आंख खोलनी है और सबको देखना है. जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं उनको तुम नहीं पूछते, जो तुमसे अमीर रिश्तेदार है वो तुमको नहीं पूछते. सिंपल, यही तो चल रहा है भाई. हमारा कोई रिश्तेदार का रिक्शा चला रहा है तो हम उससे सबसे थोड़ी बताएंगे भैया ये मौसा है हमारे कानपुर में रिक्शा चलाते हैं. तो जो हमारा रिश्तेदार मिनिस्टर है वो हमें क्यों बताएगा? तब हम कहते हैं कि घमंडी है, पहले भीख मांगते तो मंत्री हैं, अब देखो हम नहीं जानते क्या? सब जानते हैं इनके बारे में. अबे तो तुम भी तो घमंडी हो, तुम कौन सा अपने नीचे वाले को एंटरटेन करते हो? और सब यही करते हैं. कौन नहीं करता है? जो नहीं करता है वो भगवान है. अभी तो सुदामा वाला प्रसंग इतना सुनाया जाता है क्योंकि ये भगवत्ता के लक्षण है. देख सुदामा की दीन दशा, करुणापति के करुणा कर रोए, कपड़ा फटा है और सुदामा को देख के अपनी बीवी के सामने और जाके पकड़ ली. आदमी डिस्टर्ब कर, कौन है? हटा उसको, बाहर लगाओ. तुम जिससे अपना संबंध जोड़ते हो वो तुम्हारा स्टेटस बताता है. तभी तो भगवान है कृष्ण. तुम कभी किसी रिक्शे वाले गले मिले हो, उसके साथ बैठे हो, लेकिन भगवान राम केवट ने नदी पार कराई, गले मिले, बैठे उसके साथ. तो चाहते हो तुमसे कोई पैसा ही ना ले, उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे दी. उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे, ये लो तुम भगवान हो जाओगे. जिसके अंदर भगवत्ता के लक्षण है तुम अगर भगवान हो तो एक रुपया किसी को ना दो. भगवान है भारत, हो गया जाओ. शंकर जी ने मकान बनवाया, घर प्रवेश किया तो रावण के पिता को बुलाया पूजा कराने के लिए. उनसे कहा भाई मांग लो दक्षिणा जो मांगना है. उसने वही मकान मांग लिया. यहां कितने मिनिस्टर और अधिकारी हैं जिनके यहां बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो वो पैसा देते हैं. ऐसे तुम भी कल सत्ता में आ जाओगे तो नहीं दोगे? आज नहीं हो तो आदर्श की बात करते हो, हम ये करेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे. वैसे तुम सबसे ज्यादा लोगे और दो दो रुपया मांग लोगे, कहोगे अच्छा पैसा नहीं, गुटखा ले आओ चार.
बड़े सारे लोग हैं, अच्छे पदों पे बैठे, कोई मिलने आए कह अरे खाली हाथ चले जाओ, चार गुटखा लिया बाहर से और तुलसी लिया ना, उनको शर्म नहीं आती इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनते हैं। भगवान शंकर मेहनताना दे रहे कि नहीं दे रहे, एकदम दे रहे। लो भैया, इसीलिए इलाहाबाद, कानपुर, बनारस सारी कोचिंगें टूट गई, सब दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने से फायदा यह हुआ कि दिल्ली में आके कोई तुमसे डिस्काउंट नहीं मांगेगा, किडनी बेच के आएगा लेकिन वो आपको पैसा देगा पूरा। सुनते ही नहीं वहां लोग, सुनते ही नहीं। भाई पैसा नहीं है क्यों तैयारी कर रहे हो? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ तो करो। अब तो सबसे बड़ी चीज क्या, ऑनलाइन आ गई चीजें, छह छह पांच अब 7-7 हजार का पूरा जीएस का कोर्स नहीं है। लेकिन पढ़ना नहीं है, यही तो राज है इस खेल का। प्रिपरेशन मतलब अपने सोचने की क्षमता का विकास करना। जैसे मैंने तुम्हें उस दिन क्वेश्चन दिया था कि मीर जाफर और मीर कासिम वर ब्लाइंड, पहला पॉइंट तुमको क्या लिखना था, बिहेवियर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर प्लासी, प्लासी के युद्ध के पहले कंपनी का बर्ताव। कलकत्ता में महसूल टैक्स लगा दिया ना, तुम तो बाहर टैक्स नहीं दे रहे हो और हमारे ही स्टेट में रह के, मतलब तुम इनके मकान में किराए पे रहते हो, तुम किराए नहीं दे रहे हो, इनसे आ रहे हो किराया मांगने कि छत पर कपड़ा पहनाने आओगे तो हर महीना 2,000 देना पड़ेगा, ये तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा था। तुम्हारे मकान में ये ऊपर कमरा बनवा रहे हैं जिम बिना तुमसे पूछे, फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, ये पहला पॉइंट लिखते तुम। उसके बाद रोल इन साउथ इंडिया कि इन लोगों ने साउथ इंडिया में क्या किया, आपस में लड़ा के तबाही मचाई, कब्जा किया, फायदा उठाया, ये दूसरा पॉइंट लिखते। तीसरा पॉइंट मीर जाफर के साथ व्यवहार, मीर कासिम को दिखाई नहीं पड़ा, मीर जाफर का क्या किया बिना मतलब, ये सब लिखना था। और तुम क्या लिखे हो? तो अब उस क्वेश्चन को जो मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि ये तो सीधे क्वेश्चन कहीं तुमने पढ़ा ही नहीं, ये तो फ्रेम हुआ ना, यही तो है क्वेश्चन। तुम चाहते हो कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मीर कासिम ने राजा बनकर कई बड़े बड़े सुधार किए, समझाओ। ये क्वेश्चन कहां किया जाएगा, स्कूल में? ये एनसीईआरटी का सवाल है, स्कूल का सवाल। जो पढ़ा वो जाने, हां जान गए। कॉलेज में क्या कहते हैं कि जो पढ़ा उससे सीखे। स्कूल का क्या एजुकेशन है? स्कूल का एजुकेशन है कि पढ़ो और जानो। कॉलेज की एजुकेशन कहती है कि पढ़ो और सीखो, और ये है यूपीएससी।
तो वो यहां से सवाल करती है, यहां से तुम चाहते हो यहां से करे, तो तुम पढ़कर भी जवाब नहीं दे पाते हो। ये है तैयारी। ये अनुभव की बात है। तो पढ़ा तो तुम्हें कोई भी दे, सिखाना बड़ी बात है। पढ़ तो तुम कहीं भी लो, एक से एक टीचर, और इतना पढ़ा देंगे कि तुम पाषाण युग में चले आओगे। टीचरों की कमी है, पुरोहित तुमसे क्या कहेगा? अब ये तुम्हें पुरोहित भी पढ़ा देगा, प्रीस्ट, और अच्छा पढ़ाएगा, इतना मैटर लिखवा देगा कि तुम झन्नाटे में आ जाओगे कि अरे भैया लेकिन ये क्या करेगा? ये तुम्हें वेदोद की बात नहीं करेगा। कबीर, ये एक फील्ड कबीरों का है जिनको समझ में आया है। यहां प्रीस्ट कोच के रूप में नहीं सक्सेसफुल होंगे। कबीर यहां कहते हैं दान पुण्य करो, जन्नत मिलेगी तुमको। कुछ कर, तुमको कुछ करना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ दान करना है, जो कमा रहे हो दे दो। ये क्या कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या, तुमको मरना पड़ेगा। यही तो मैं तुमसे कहता हूं, तुमको चेंज होना पड़ेगा। तुमको, टीचर को तो पता ही है। ये क्या कहते हैं कि तुम चेंज मत हो, इसलिए इनके फॉलोवर ज्यादा होते हैं, क्योंकि खुद कुछ नहीं करना ना। मैं दुबई में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां शराब बेचने की क्या जरूरत है? या कोई पीने वाला ही नहीं है। कह रहे नहीं भैया वो बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के 5%। नहीं भैया ऐसे रखे हैं कि मान लो जहां डिमांड है वहीं तो सप्लाई होगी। लेकिन ये बात तुम मत कहना। देखो हैदर अली अनपढ़ है, उसको दिखाई पड़ती है चीजें, तो दिखाई पड़ रहा है कि मैं राज्य को ताकतवर बना रहा हूं, कंपनी को खलबली मच रही है, तोड़ दिया कंपनी को। कंपनी को एहसास हुआ कि ये आदमी सिर्फ साहसी ही नहीं है, समझदार भी है। और खतरा किससे होता है? समझदारों से। जाहिलों से क्या खतरा, मूर्खों से क्या खतरा? राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा खत्म की, उनकी मां उनके खिलाफ प्रोटेस्ट में आ गई, उनकी अपनी मां, 500 लोग सड़क पे चल रहे, उनकी मां भी चल रही कि मेरा बेटा पागल है। सोचो उस आदमी को ने कितना खतरा मोल लिया होगा। गलत के साथ सारी दुनिया खड़ी है, यही तो गलत की कॉन्फिडेंस है। गलत का कॉन्फिडेंस क्या है? उसके साथ सारी दुनिया खड़ी है। सही का दिक्कत यह है कि उसको लोग मारना चाहते हैं। तुम वो ब्लूटूथ वाला कोर्स देख रहे हो? अब इनको सबको खलबली मच गई अंडरवर्ल्ड में, जो बड़े बड़े कोचिंग से उनको बहुत दिक्कत, मना कर रहे हैं। अभी एक साहब से मुलाकात हुई, बोले ये हमको दे दो। काहे चला रहे हो यार? उस प्रोग्राम से अगर हिंदुस्तान के 100 लड़कों को खेल समझ में आ गया, सबको आएगा भी नहीं, तो मेरा काम हो गया।
सौ लड़कों को बात कर समझ में कि अच्छा यार इस चीज को डेवलप करना है, ऐसे पढ़ना है, तो जिसको तरीका समझ में आ जाएगा वो गांव बैठा वो भी पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा। कौन सी संधि? मद्रास की। थैंक यू ब्रदर। मद्रास की संधि। अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि ये आदमी सिर्फ साहसी नहीं है, लिखो और इनबॉक्स करो। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम क्लियर, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम क्लियर दैट हैदर अली इज नॉट ओनली डेयरिंग, हैदर अली इज नॉट ओनली डेयरिंग, ही इज ऑल्सो हैविंग विजडम। हैदर अली इज नॉट ओनली डेयरिंग, ही इज ऑल्सो हैविंग विजडम। विजडम। बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास, बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास peace was maintained between both the parties for 11 years. By the Treaty of Madras, peace was maintained between both the parties for 11 years. 1780 Second Anglo-Carnatic War starts. 1780 Second Anglo-Carnatic War starts. Second Anglo-Mysore. Second Anglo-Mysore War starts. Second Anglo-Mysore War starts. Question mark लगा लो। क्यों? It was the outcome of American War of Independence. It was the outcome of American War of Independence. Question mark lagal. अगर तुमसे जीवन में कोई पूछे तुमने अवध ओझा से क्या पढ़ा, क्या तो पढ़ा तो कुछ नहीं सीखा, ये तभी तो कहते हैं ना वो ये पढ़ाता ही नहीं, काहे पढ़ाए, तुम पढ़ा के क्या बिगाड़ लिए। मेरे कोलीग ने एक बार हमसे कहा यार तुम पढ़ाते नहीं हो, हमने कहा जितने लड़कों को पढ़ाए हो बुला लाओ उनको, पांच सवाल पूछेंगे, अगर वो पांच में से तीन बता दिए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और नहीं तो तुम छोड़ देना। नहीं नहीं ये बात नहीं है, यही बात है, तुम पढ़ा बहुत अच्छा रहोगे तो मैं मान ही रहा हूं, तुम्हारे पढ़ाने में कमी कहां है। मैं तो मानता, मैंने किसी टीचर के बारे में आज तक यहां कहा, मैंने हमेशा कहा कि सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं,
सब कोचिंग अच्छा पढ़ाती, तुम मेरा कोई एक वीडियो लाके दिखा दो जब वहां मैंने कुछ कहा हो किसी टीचर, वो मेरा मुद्दा ही नहीं है ना। मुझे कुछ बातें क्लियर है, एक रेखा से बड़ी रेखा बनानी है तो उससे बड़ा बनना पड़े, अपने ऊपर काम करना है, खुद पर। जो अपने आप को समय नहीं दे पाता वो मजदूर, जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर। और जो अपने आप को समय देता है, 2 घंटा ध्यान किए, 2 घंटा योग किए, 2 घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह किए, 5 घंटा हो गया, तो 5 ये घंटा कौन निकालेगा? जिसके पास पैसा है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कि कम से कम 2 घंटा जीवन में खुद को दो। ये तुम गुरुदेव खड़े होकर 4 घंटा चाय पीते हो, वो तुम नहीं जोड़ते हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। जो अपने आप को सबसे ज्यादा समय देगा, राम जी ने दिया 14 साल खुद को दिया, भगवान बन गए। बिना समय दिए भगवान बन गए? 14 साल खुद को दिया, खुद को, कोई तैयारी वैयारी कुछ नहीं। वो भी तो कह सकते थे कि पापा हमारे रो रहे हैं, मम्मी बहुत परेशान है, और छोट भाई हमारे जो घर में रहते नहीं है, भरत बेचारे बहरे रहते हैं। तो लोग आके हमको बताते हैं ये सब बातें, ऐसा हो गया और ऐसा है। अरे भैया तुमको पढ़ना है? हाँ। तो रामचंद्र जी के घर में भी तो समस्या है, उनका छोटा भाई बाहर रहता है कि जब तक भैया नहीं आएंगे हम घर में नहीं आएंगे। उनकी तीनों माँ लोग परेशान है, रो रही हैं दिन भर कि हमारा बेटा जंगल चला गया, बाप बेचारे बुलाते बुलाते मर गए। उनके घर में दिक्कत नहीं है? कौन है इस ब्रह्मांड में जिसके घर में दिक्कत नहीं है? पर ये तुम्हें सोचना है, तुम्हारा सपना है। बीस साल उम्र अगर है और आय का साधन नहीं है तो पहले आय का साधन बनाओ। रहोगे कैसे, खाओगे कैसे? किताबें, न्यूज़पेपर। अब वो 1970 का जमाना नहीं है जब लोग सतुआ पी के जी लेते थे, तब बाजार नहीं थी। तो बाजार में ऑक्सीजन भी बिकता है, सोचो बाजार की कितनी कीमत है। दिल बेचते हैं, वो बनाते नहीं उस पे आर्चीज वाले शॉप पे दिल बना के बेचते नहीं, 14 फरवरी को लग दे देते हैं। असली बचा नहीं, असली में दम ही नहीं है, तो नकली लेके चले गए। आर्चीज वाली दुकान में मिलता है कि ये वाला तो ना दे पाएंगे, है ही नहीं, वो कमजोर बहुत है, डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो नकली लेके चले गए। वो तो कहो कि मन कोई खरीदना नहीं चाहता, नहीं तो वो भी बना के बेच दे। पूंजीवाद कहता है जो भी बिक सकता है उसको बेचो। तुम देखो कुछ लोगों को नींद नहीं आती, वो रात में किसी से बात करना चाहते हैं, उसकी भी टेलीकॉलर से नहीं है। अरे तुम्हें नहीं पता? अरे यार तुम यार बड़े इंदस वैली से आ रहे हो तुम, हिंदी न्यूज़पेपर उठाओ तो कितना ऐड रखा है मीठी मीठी बातें करे। अरे यार
पूंजी बात कहता है कि जो भी चीज बिक सकती है उसे बेचो। पूंजीवाद इसीलिए अमेरिका किसकी गोद में पैदा हुआ? कैपिटलिज्म की। इसीलिए तुम अमेरिका जाओगे तुमको लगा यार यहां तो कोई इथिकल है ही नहीं, मतलब जिस दिन तुम लास वेगास पहुंच गए और तुम शुद्ध मुसलमान हो, शुद्ध हिंदू हो, शुद्ध जिसमें बोर्ड नहीं लगा रहता, शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसमें 6 दिन पुरानी दाल है, शुद्ध शाकाहारी, जिस दिन तुम लास वेगास पहुंच गए तो दो बातें होंगी, या तो तुम्हारी शुद्धता खत्म हो जाएगी और या तुम वहीं बगल में समंदर में जाके कूद जाओगे। भारत, सऊदी अरेबिया, चीन, इन लोगों को अमेरिका से क्या दिक्कत है? वो पूंजीवाद की गोद में पैदा हुआ है। वो कहता है सबसे ज्यादा क्या बिक सकता है? बोले सेक्स, मतलब बेचो। फ्रॉइड को ले आए, तो बेचो यार, इतनी इथिक्स, इतनी मॉरालिटी क्यों लगा रहे हो? अब इस देश में तो ये सब कहा करा रहे हो भैया? अब इस देश के आदमी को समाज में अच्छा भी बनना है, इसी द्वंद में ये परेशान है। नहीं तो छोटी छोटी सिंपल सिंपल किताबें हैं, क्यों नहीं समझ में आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी? ये संभव है कि जो आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा है, 22 साल जिसकी उम्र है, उसको एनसीईआरटी ना समझ में आए कि ये क्या कहना चाहती है? उसकी सिर्फ एकमात्र वजह है तुम सोचना नहीं चाहते हो। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब से शुरू हुआ? 1776 से, 1776 से शुरू, 1780 में। अब देखो ये डेट देखो, 1780 1780 के आसपास फ्रेंच आगे बढ़े इनकी मदद करने के लिए, और 1781 में फ्रांसीसियों ने अपनी सेना भेज दी। तब ब्रिटेन को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी भेज दें हैदर अली के सपोर्ट में, तो भेजेंगे तो कहां भेजेंगे, किसके द्वारा भेजेंगे? बंदरगाह के द्वारा भेजेंगे। तो इनका एक बंदरगाह था माहे, ये हैदर अली का बंदरगाह है, इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। क्यों? जिससे कि फ्रांसीसी मदद हैदर अली तक, लिखो 1780 कंपनी ऑक्यूपाइड माहे। माहे एज अ प्रिकॉशन, कंपनी ऑक्यूपाइड माहे एज अ प्रिकॉशन कंपनी ऑक्यूपाइड माहे एज अ प्रिकॉशन टू स्टॉप द फ्रेंच हेल्प रीचिंग हैदर अली। To stop the French help. To stop the French help reaching Hyder Ali. To stop the French help reaching Hyder Ali. अब तुम हमारे घर का दरवाजा बंद कर दो, ताला लगा दो कि कोई मेरे घर में ना आए। प्रिकॉशन कह रहा हूं, मैं प्रिकॉशन ले रहा हूं। अबे तो मेरे घर में ताला क्यों लगाओगे? और भी बंदरगाह। बस यही शुरू हो गया सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर।
हैदर की भी हार हुई एक दो युद्ध में, अंग्रेजों की भी हार हुई, लेकिन 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई। 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई, और जब हैदर अली की डेथ हुई तो इसका बेटा गद्दी पर बैठा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 से 1799, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से हो? बिहार से। यहाँ पढ़ रहे हो? यहाँ कहीं पढ़ते हो क्या, किसी कॉलेज वगैरह? नहीं, एक लड़की आई है वहां से, आज वो नहीं आई शायद, बेगूसराय से। नहीं, बड़ी बात है। तुमने कितना अटेम्प्ट दिया? पहला अटेम्प्ट। तैयारी सही चल रही? सोच को विकसित करो, समझे ना, डरो मत कि मेरा टाइम भागा जा रहा है। एक साल के बजाय 2 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे को तुम देखो, माँ बाप इतने कॉशियस हो गए हैं कि जो साइकिल खरीदते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती कि ये गिरे ना। अबे गिरोगे तभी तो ताकत पैदा होगी, हैं? हम लोग कितनी बार गिरे साइकिल में, गिरे और मार भी खाए, मतलब डबल साइडेड इफेक्ट होता था। गिरे, पता लगा पैंट फट गई, अब पैंट उतार के तो घर में आ नहीं सकते। अब घर पहुंचे तो एक चोट पहले ही लगी हुई थी, फिर वो माता जी ने कहा पैंट कहां फाट डाले, फिर 10-20 डंडा वो खींच के मार दी, तो उससे स्ट्रेंथ पैदा हुई, ताकत। इन्होंने बगल में पहिया लगा दी तो कि मेरा बच्चा गिरे ना। वो सबको अपना बच्चा प्रधानमंत्री चाहिए, ध्यान इसलिए करो, दो काम करो, बाकी सब बंद कर दो, और दो करोगे तीसरी खुद ब खुद होगी। ध्यान और योग दो कंपलसरी कर लो अपने जीवन में कि मुझे करना है, जिद बना लो अपनी, जिद। तो दोनों से क्या होगा, एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा पढ़ाई खुद ब खुद होगी, डिसीजंस लेने लगोगे ना, खड़े होके पढ़ो ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है, मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है, तो जैसे धूप में खड़ा हुआ अब मन चिल्लाने लगा, अरे यहां काहे खड़े हो, ये जो साधना है ये क्या है, कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। उसी कष्ट की एक परंपरा है व्रत, फास्टिंग। तुम प्रयोग करके देखो, खाली पेट तुम्हारा मन कोई खुराफात नहीं सोच सकता, गारंटी। अगर सोच रहा है तो तुम बहुत महान आदमी हो, हालांकि वो संभव ही नहीं। इसलिए तुम लोग जब पढ़ने के टाइम हो उस वक्त खाना मत खाओ। सुबह उठे वो अखुआ चना मत खाओ, बहुत हैवी होता है वो, अब तो गर्मी आ गई। सत्तू मंगा लो यार, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब इतनी हेल्दी चीजें मंगा लो, और सुबह कुछ नहीं करना, एक ग्लास लो, दो चम्मच लो,
दो चम्मच चने का सत्तू कितना लेवल हाई लेवल प्रोटीन है उसमें? काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वानिद्रा, ये पांच लक्षण है, ये फॉर्मूला है अल्पहारी। सुबह 13 पराठा खा गए, अब आंख तो निकला, अब 13 पराठे का मतलब सारा खून यहां पहुंच गया। अब तुमने 2 चम्मच सत्तू पिया, मन खाली एकदम, तो वो जो तुम पढ़ रहे हो वो अंदर जाएगा। तुम मन से अपने कहो कि पहले चैप्टर हमको समझा दो, तब तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे। हाँ चिकन, और बताओ पनीर भुजी हुई, अच्छा इसको इसे डील क्यों नहीं करते तुम? ये तुमको जो ऑर्डर दे देता तुम मान लेते हो, इससे समझौता करो। क्या सुबह चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसको जितनी जल्दी खत्म करा दोगे? अंडा फ्राई खाओगे, चलो 6 अंडा फ्राई हो गया, और चिकन आधा पूरा खा, जो पूरा चिकन, तभी तो कोई तुम्हारी बात मानेगा। तुमने उसको फ्री एसेस दे रखा है कि तुम जो कहोगे 12 बजे रात में कहोगे तो खाना बना के खाएंगे। तो ये हो गया बेलगाम। नहीं फिर तुमसे सुबह सुबह कहता है कि 10-12 अंडा खा लो, दूध 2 ग्लास पी लो, 2.5 घंटा क्लास में बैठो, थकान लग जाती। अब तुमने इसकी बात सुन ली, खा लिया, अब सारा खून यहां आ गया, अब क्लास गई भाड़ में। ये जो व्यक्तित्व होते हैं, हालांकि बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है, अंग्रेजों ने इसकी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी की, इसको अंग्रेजों ने इसको कहा सेंटली मॉनेस्टर, सेंटली मॉनेस्टर, संत और शैतान दोनों। अब तुम एक छोटी सी बात, ये जो लोग कहते हैं मुसलमान आए हिंदुओं को मारे, 1210 हिंदुस्तान का शासक कौन? इल्तुतमिश, है ना, है ना। प्रजा कौन? हिंदू। प्रजा में कोई मुसलमान है ही नहीं, और ये टैक्स देने को तैयार नहीं तो मारेगा नहीं। तब तुम जब 500 साल बाद इतिहास लिखोगे तो कहोगे मुसलमान शासक ने हिंदुओं को मारा। अब वो एक सामान्य दिमाग को तो यही दिखाई पड़ेगा ना, वो जब बहुत गहराई में सोचेगा तो कहेगा यार यहां मुसलमान तो थे ही नहीं। तो वो अगर मुसलमान, अब तुम देखो मुगलों के टाइम पे, अकबर के टाइम, अब प्रजा कौन? हिंदू और मुसलमान दोनों। अब दोनों मार खा रहे जो पैसा नहीं दे रहा। तुम कहानी को पोर्ट्रे कर सकते हो ना, अनटचेबिलिटी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या थी? सजा। अब तुम उसको कैसे दिखा रहे हो समाज में? ब्राह्मणों ने 2000 साल से हमको अनटचेबल बना के रखा, सामाजिक नियम धार्मिक नियम वो टूटने नहीं चाहिए, जो टूटेगा अनटचेबल। किसी ने बनाया नहीं। वो व्यवस्था थी, हां उसमें गलती कहां हुई इस पे भी एक बार नजर डाल लो। गलती ये हुई कि उस व्यवस्था को एक समय के बाद स्थिर मान लिया गया। आज आजाद भारत 1947, तो इस देश के लोगों को स्वतः जातिवाद छोड़ देना चाहिए। अब जाति व्यवस्था, अब उसकी जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत थी तब वो पैदा हुई,
अब उसकी जरूरत ही नहीं है। ये आज के लोगों की गलती है। तो जब ब्राह्मण जाति नहीं छोड़ेगा तो दलित क्यों छोड़ेगा? उसको तो और फायदा है। इस देश में जातिवाद तभी खत्म होगा जब इस देश में उच्च वर्ण का आदमी जातिवाद छोड़ेगा। और कोई रास्ता है नहीं। क्यों छोड़ेगा दलित जातिवाद? छोड़ देगा, उसको नुकसान नहीं हो जाएगा? क्यों छोड़ेगा? तो इस देश में जब भी जाति व्यवस्था खत्म होगी तो उसमें पहला कंट्रीब्यूशन अपर कास्ट का होगा। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सब समय के साथ चीजें बदलती हैं। 400-500 साल बाद हो जाएगा, अगर धरती बची रह गई तो। जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट कानपुर में है, और उसकी वजह है ऑक्सीजन लेवल की कमी। दिल्ली क्यों खतरनाक हो गई? इसीलिए तो हो गई, 450 पोल्यूशन। और तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं। ऑक्सीजन क्या करता? जलाता ही तो है अंदर जाके, तो खराब सेलों को वो जलाता है, और खराब सेल जल ही नहीं रहे, वही कन्वर्ट होकर कैंसर हो जाएंगे। जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे क्या होगा? आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, अंदर जलना बंद हो जाएगा। जब बिल्डिंग में आग लगती है तो CO2 छोड़ते हैं, क्योंकि वो आग को दबाता है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ऑक्सीजन आग को भड़काता है, इसलिए सुबह के टाइम में पार्क में तुमको प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है कि इनटेक ऑक्सीजन की बढ़ जाए। तो जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर से इस स्टेटमेंट को दोहराऊंगा, जिस आदमी के पास सोच होगी। तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है? तुम्हारे मन के बल पे। तो मन को ताकतवर नहीं बनाओगे? एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है, और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है। और IAS की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है। तो अगर तुम 2 घंटा खुद को दो डेली, और तुम्हारा मन और शरीर 3 महीने मजबूत हो जाए, तो 8 घंटा तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच से व्यक्ति महान बनता है। शिक्षा नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन शिक्षा है और सोच नहीं है। अब इस आदमी को जब ये गद्दी पर बैठा, परिस्थिति देखो, किस परिस्थिति में गद्दी पर बैठा? किस परिस्थिति में? युद्ध की परिस्थिति में। तो जो आदमी युद्ध की परिस्थिति में गद्दी पर बैठ रहा है, उसको एक बात का तो अंदाजा एकदम स्पष्ट है कि बॉस लड़ना तो पड़ेगा ही, और एक दुश्मन नहीं है, 3, मराठा, निजाम और अंग्रेज। तो जब लड़ना पड़ेगा तो खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और खुद को ताकतवर बनाने का पहला स्टेप क्या होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भाई तुम्हें सेना बनानी पड़ेगी। सेना बनाने के लिए पैसा चाहिए। आज चीन मिलिट्री पावर है, उससे पहले चीन इकोनॉमिक पावर है।
तो चाहे परिवार हो चाहे राष्ट्र, अब सुन लो इस सूत्र को, सीख लो यहीं पे, चाहे परिवार हो चाहे राष्ट्र, अगर दोनों को ताकतवर बनाना है तो सबसे पहले आर्थिक ताकत पैदा करनी पड़ेगी। यही तो बिस्मार्क में पढ़ाया था, चाहे परिवार हो और चाहे राष्ट्र हो, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? आर्थिक ताकत बनानी पड़ेगी। इस आदमी ने चार जबरदस्त काम किए, अंग्रेज तो सन्नाटे में आ गए कि अरे भगवान। पहला काम इसने किया एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को निशाना बनाया इसने, और एग्रीकल्चर में पहला काम इसने किया पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन, प्रेरणा संलग्न अनुरोध। पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन कहां लिखा है? बीएल ग्रोवर में। अब तुम्हारा नाम क्या? आस्था। आस्था के पास 100 बीघा खेत है, कितना? पर इसके पास पैसा सिर्फ 10 बीघा में खेती करने का है, उसमें भी तो इनपुट चाहिए ना। देखो बहुत लोग हैं जिनके पास पुश्तैनी बड़े बड़े मकान है, पुताई ही नहीं करवा पा रहे। पुताई कराने में 50 लाख का खर्चा है। देखो कानपुर में बहुत लोगों के पास पुश्तैनी मकान पड़े हुए बड़े बड़े, पुताई कराएं तो 50 लाख लग जाए, है ही नहीं पैसा। तब उनसे बिल्डर कहता है कि देखो ऐसा है, पुताई तो करा नहीं पा रहा, जगह हमको दे दो, एक फ्लैट तुमको दे देंगे, बाकी फ्लैट के हिस्से में बांट लिया जाएगा, तो तुम्हारे पास पैसा भी आ जाएगा, तुम्हारा यही मकान भी रहेगा और बच्चे को शोरूम खुलवा देना। यही तो बिल्डर कहता है। तो वही बात टीपू सुल्तान ने आस्था से कहा कि तुम्हारे पास 100 बीघा खेत है, खेती करती हो सिर्फ 10 बीघे में, तो बाकी 90 बीघे का पैसा हमसे लो, इंड्यूसमेंट प्रेरणा, बाकी 90 बीघे का पैसा हमसे लो। इन्होंने कहा बहुत अच्छा सर, दे दो। उसने कहा एक बात और सुन लो, टैक्स पूरे 100 बीघे पे लगेगा, बाद में आके मत बताना बड़ी अम्मा बीमार थी सर, हो नहीं पाया हो, सब दवाई में पैसा खर्चा हो गया। बोला ये सब ड्रामेबाजी नहीं सुनेंगे, 90 बीघे में खेती करने का पैसा देंगे तो फिर टैक्स 100 बीघे पे लगेगा। ये देखो इंड्यूसमेंट कम इससे क्या हुआ, आस्था की आय बढ़ी, साल में 5 लाख थी अब 50 लाख हो गई, राज्य की भी आय बढ़ी, साल में 50,000 देती थी अब 5 लाख दे रही है। यह है पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन, राज्य की भी आय बढ़ी और किसान की भी आय बढ़ी। अब राज्य और किसान के बीच कौन है? जमीन, जिनको मैसूर में कहा गया पॉलीगार्स। अब ये 5 लाख आस्था से लेते थे, 3 लाख खुद रख लेते थे, राज्य को 2 ही लाख देते थे, इनको खत्म।
डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन किसान एंड स्टेट ऑलिगार्श, तब इन लोगों ने विद्रोह किया, तब मारा टीपू ने। किसी का अधिकार छीनोगे तो झगड़ा नहीं करेगा? ऑलिगार्श वेर रिमूव्ड फ्रॉम देयर राइट्स, इनके अधिकार छीन लिए गए। किसान और राज्य का सीधा संबंध, हाँ। अरे आज तो वीडियो बना के तुम कुछ भी डाल दो। एक बार एक चोर जो है, उसने संत तुकाराम से कहा, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, तो वहां पे महाराष्ट्र में मराठी जो है वो विठोबा का दर्शन करने आते हैं, पैदल चलते हैं लोग, गांव गांव से लोग निकलते हैं, पैदल जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर वापस आते हैं, वो उनका परंपरा है। तो संत तुकाराम जा रहे थे, तो एक चोर आया, कहा महाराज हमको भी ले चले। कहा यार तुम चोर हो यार, रास्ते में खुराफात करोगे, तुम मानोगे तो है नहीं, चोरी वोरी करोगे। कहा महाराज चोरी नहीं करेंगे, कसम खा रहे हैं आपकी संगत में रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे। तुकाराम ने कहा चलो चले। दो दिन तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तीसरे दिन लोगों के सामान गायब होने लगे। लेकिन लेकिन गायब होने का मतलब ये नहीं कि चोरी, लोगों के सामान एक जैसे मेरा मोबाइल इनके बैग में पड़ा हुआ है, इनकी शेविंग किट मेरे बैग में पड़ी हुई है, चोरी नहीं होती थी, एक दूसरे का सामान एक दूसरे के बैग में पड़ा होता। तुकाराम ने बुलाया उसको, कहा सब नाटकबाजी क्या हो रहा है? कहे सरकार आदत पड़ी हुई है, चोरी कहां कर रहा हूं, आदत थी वैसे निकाल तो लेता हूं फिर दूसरे के बैग में, आदत पड़ी हुई है, चोर चोरी से जाएगा, आदत। जैसे मैं आज भी कभी 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 कागज को मोड़ के सिगरेट की तरह लगा लेता हूं, ऐसे कर आदत पड़ी है, कभी कभी अगर आ गए मूड में तो बना लिए, कागज अच्छा लगता था मुझे तो फोल्ड किया उसको ऐसे सिगरेट की तरह बनाया लगाया, और तो गाड़ी चलाते तो कागज पकड़े हुए चला रहे, आदाबाजी है, तो लोगों ने हमसे कहा कि कागज पकड़े हो, तुम्हारे पेट में कहां दर्द हो रहा है? तो चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। ठीक 50% टैक्स उसने लगाया किसानों पे, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इन सबका परिणाम यह हुआ, राज्य स्टेट और किसान फार्मर दोनों की आय बढ़ी। किसान की भी आय बढ़ी और स्टेट की भी आय बढ़ी। पहला काम उसने ये किया इकोनॉमी में, इकोनॉमी में पहला काम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, पॉइंट ए लिख लो इसको, क्योंकि पॉइंट वन का ए एग्रीकल्चर। दूसरा और खतरनाक काम कर दिया उसने, स्टेट को ट्रेडर बना दिया, यह बड़ा जबरदस्त काम किया उसने, स्टेट को ट्रेडर बना दिया, स्टेट को। कैसे? सैंडलवुड, पेपर, गोल्ड एंड सिल्वर, सॉल्ट, ये
इनमें स्टेट इनके एक्सटर्नल ट्रेड में स्टेट की मोनोपोली, स्टेट की सैंडलवुड स्पाइसेस सॉल्ट इनके इंटरनल ट्रेड में स्टेट की मोनोपोली, समझ लेना बहुत शानदार चीज है, बिना समझे आगे मत बढ़ना। इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड, यूरोपीय कंपनियां भारत में सबसे ज्यादा क्या खरीद रही है? मसाला, ठीक। अब हम सब कानपुर के व्यापारी हैं, तो हम सब मसाला किससे खरीदेंगे? राज्य से। यही तो सद्दाम हुसैन कर रहा था कि पेट्रोल की कीमत मैं निर्धारित करूंगा, अमेरिका निर्धारित नहीं करेगा। पेट्रोल की कीमत डॉलर में नहीं होगी, पेट्रोल की कीमत होगी यूरो में। तो पेट्रोल की कीमत अगर यूरो में होगी तो अमेरिका का डॉलर कमजोर हो जाएगा, और अगर अमेरिका का डॉलर कमजोर हो जाएगा तो अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी, और अगर अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी तो अमेरिका का साम्राज्य। बस वही खेल है, ये सारा सामान जो यूरोप जा रहा है वो तुम हमसे खरीदोगे राज्य से। तो अगर पुर्तगाली 10 रुपए केजी देगा तो डच 20, अंग्रेज 35, तो सारा सोना जो इन सामानों के बेचने से आ रहा है वो कहां पहुंचेगा? स्टेट की ट्रेजरी में। तो स्टेट ट्रेजरी बिकेम सिंक ऑफ व्हाट? गोल्ड एंड सिल्वर। इट्स स्टेट ट्रेजरी बिकेम द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। स्टेट ट्रेजरी बिकेम द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। क्या बनाओगी सैंडलवुड का? वुड का क्या बनाती हो? बनाओ सैंडलवुड का, तुम्हारे घर में सोफा 20,000 का होगा, ये सैंडलवुड का लेके आएंगे 25,00,000 का। फिर तुम जब इनके घर आओगी तो पूछोगी नहीं कि चंदन का है, तभी तो तुम इनको राजा मानोगी नहीं। बड़े सारे भारत के प्रधानमंत्री चंदन की लकड़ी में जलाए गए, बड़े बड़े घरों के लोग चंदन की लकड़ी में जलाए जाते हैं। जिंदगी भर तो बदबू फैलाते रहे, अब कम से कम लाश से खुशबू आ जाए। उसकी अलग वुड आती है, शिपिंग इंडस्ट्री। हाँ लगा सकते हो तुम, इसकी भी लकड़ी हल्की होती है, पर शिप बनाओगी सैंडल का तो जंगल खत्म हो जाएगा 6 महीने में। वही है अलेक्जेंडर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट, अपनी बुद्धि पे नजर रखना तुम। तुम लोग दो काम कर लो बस, तीसरा अपने आप होगा। तुम वही दो मेरा मान नहीं रहे हो, इसलिए तीसरा हो नहीं रहा है। तुम ध्यान और योग शुरू कर दो, टिम रो की योग निद्रा दोपहर में खाना खाने से पहले एक बार करो, या निर्जनानंद वाली, और इसको करो, और इसको तुम 3 महीना करो, रोकना मत। हाँ
क्या क्या वो खुद ही बोलेगा, लेट ना कुछ करना ही नहीं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो टिमरो करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो निर्जनानंद, स्वामी निर्जनानंद मुंगेर। ये 3 महीना कर लो, ये बहुत प्यारी चीज है। और किसी एक चीज को अपने सॉफ्ट सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो, सर इस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। सर 3 महीना कर लो, 90 दिन। जब ये संकल्प लेने के लिए कहेगा तुमसे, तो संकल्प, जैसे तुमने संकल्प ले लिया कि मैं योग और ध्यान करूंगी, तो 3 महीने में क्या होगा कि ये थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाएगा। इसका यही रोल है, और कोई रोल नहीं है। तो क्या करेगा, तो वो थॉट जो है, वो तुम्हारा गोल जो है, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में डाल देगा। और जैसे वो सबकॉन्शियस में पड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हें बिना कराए मानेगा ही नहीं। बिना कराए मानेगा ही नहीं। ये कर लो। तीसरा काम, ट्रेडिंग कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज ऑन यूरोपियन पैटर्न। यूरोपियन पैटर्न लाइक EIC, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। जैसे वो लोग बाहर व्यापार करने आते थे, इसने भी भेजा बर्मा, टर्की, फ्रांस। अंग्रेजों ने कहा कभी यार हमारे यहां भी भेजो, हम भी तो व्यापारी हैं। बोले नहीं, ये लोग अच्छा व्यापार करते हैं। बोले भाई हम लोग भी करते हैं यार। ट्रेडिंग कंपनीज यूरोपियन पैटर्न पर, और फिर इनको विदेशों में भेजा व्यापार बढ़ाने के लिए। चौथा, मॉडर्न फैक्ट्रीज, मॉडर्न फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए आधुनिक फैक्ट्रियों की स्थापना। किसी ने सोचा ये आज? यहां कानपुर में थी लाल इमली, उसको बंद करा दिया। कानपुर कितना बड़ा व्यापारिक सेंटर था, हमारे घर में अगर 1960 के लोग होंगे ही, पूछो उनसे कितना बड़ा यह व्यापारिक केंद्र था। चमड़े का व्यापार, टेक्सटाइल, लोग कानपुर कमाने आते थे। पूर्वांचल के लिए ये वरदान था कानपुर, मैनचेस्टर। हमारे सब तबाह कर दिए, स्ट्राइक करा करा के सब बंद हो गई। तुम कभी ये तुम्हारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहां से जो रोड जाती है ग्रीन पार्क की तरफ, उस रोड पे जाओ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी। लाखों लोग यहां काम करते थे, व्यवसाय, उनको रोजगार मिलता था। चार काम किए इकोनॉमी में इसने, चार। पहला काम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उसमें क्या किया, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन, पॉलीकारों को हटा दिया और 50% रेवेन्यू। दूसरा, स्टेट को ट्रेडर बना दिया। तीसरा, ट्रेडिंग कंपनीज का गठन किया। और चौथा, मॉडर्न फैक्ट्रीज, मॉडर्न फैक्ट्री। स्टेट के अंडर PSU है सर, अब इससे क्या हुआ, स्टेट की समृद्धि बढ़ी, बढ़ी ना। तो जब स्टेट की समृद्धि बढ़ी, तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करेगा, अब ये आर्मी के रिफॉर्म्स करेगा। और आर्मी में इसने क्या किया,
पहला हिंदुस्तान का शासक है जिसने नेवल बोर्ड बनाया, नौसेना। अंग्रेजों ने पूछा नौसेना किसके लिए? बोले वो समुद्री लुटेरों के लिए। बोले हमें बताओ कहां है, कैसा कह देता तुम्हारे लिए? 11th लेक्चर में ये पूरा पढ़ा हुआ है टीपू सुल्तान ब्लूटूथ वाला। आज जाके वहां से इसको पूरा पूरा करना है, वहां से 11th जो लेक्चर है उसमें पढ़ा हुआ है टीपू सुल्तान। तो अब पैसा आ गया ना, पैसा आ गया, ये तुमको अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखना है। गरीब लड़के, गरीब लड़के, सर गरीब लड़के क्या करेंगे? हिंदुस्तान में एक मानसिकता बन गई है सिंपैथी लेने की। उससे तुम्हारा मन कितना कमजोर होता है तुम्हें पता है? बार बार जब जाके गिड़गड़ाओगे किसी के सामने फालतू में, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा चंद पैसा बच जाए, और हमारे साथ कई बार लोग चलते हैं जिनके पास कार्ड होते हैं, प्रशासनिक कार्ड है, उनको टोल पे टैक्स नहीं देना पड़ता। मैं देता हूं, मैंने कहा यार एक दिन बैठे हो, मेरे पास जिस दिन कार्ड आ जाएगा वो अलग बात, तुम्हारा एक दिन के लिए क्या टोल बचाना, रख लो कार्ड और एहसान अलग से दिखाओगे। कुछ हरकतें हैं जो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, उनको मत करो, प्लीड करना छोड़ दो। तो दिल्ली में लोग क्लास में आते हैं तो वहां एडमिट कार्ड चेक होता है ना, बहुत सारे लड़के हाथ जोड़ते हैं उनको, या उनसे लड़के जो दरवाजे पे लड़के उनसे झगड़ा करते, उनसे झगड़ा करोगे तुम? वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको उस चीज की सैलरी मिल रही है। तुम रिक्शा वाले से कहोगे कि मेरे पापा DGP हैं, अगर कार्ड नहीं लाए हो तो एक बार रिक्वेस्ट कर दो कि यार भैया आज कार्ड भूल गए। उसने कहा नहीं जाने देंगे, कोई बात नहीं, हाथ मत जोड़ो और लड़ाई भी मत करो। हम कई बार बिना बेल्ट लगाए घर से निकले, बेल्ट लगाना भूल गए, आगे गए पकड़ गए, हमने कहा जी चालान देंगे। गिड़गड़ाना तुम्हारी मानसिकता बन जाती है, गलती हो गई नहीं करे। 10th के बच्चे वो अलग बात है, पैसा जाए तो जाए, मन की कमजोरी। लखनऊ में जो स्टेडियम बना है तो वहां पे मतलब स्ट्रिक्ट जांच चलती है, मतलब लोग देखते रहते हैं कि कोई थूक तो नहीं रहा। हमारे बहराइच के एक दोस्त हैं, थूक दिए, आया पकड़ लिया, करो खाइए लो 1000 रुपया, फालतू में हाथ काहे पकड़े हो, और रुको एक बार और थूकेंगे, चलो ईगो सेटिस्फाई करना है। 2000 की बात नहीं है, बात यह है कि अहम को सेटिस्फाई करने है, कि जहां कोई नहीं थूक रहा था वहां थूक के आए, पैसा ले जाओ और रुके रहो, अभी एक बार और थूकेंगे। यह है रंगदारी। गलत तो यह भी है, इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन है तो रंगदारी ही, पैसा ले लो। तो यह पूरा पोर्शन चूंकि हमारे उसमें नहीं है, अभी आज तक इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा पूरा। 21 तारीख से क्लास शुरू होगी पुणे में, तब मैं नेशनल मूवमेंट शुरू करूंगा। एक आदमी को इसमें और पढ़ा दूंगा, कॉर्नवालिस को, तो वो वाला एकदम क्लियर हो जाएगा, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। ये आज कर लेना 11th लेक्चर से पूरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और मिलिट्री रिफॉर्म्स पढ़ाया मैंने, वहां से कर लेना। फिर हम लोग शुरू करेंगे नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट के लिए बस एक किताब चाहिए, वो लेनी ही लेनी है, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, विपिन चंद्रा, वो मोटी वाली,
वो लेना ही लेना है। तुम किताब से क्यों डर रहे हो यार? हम ऐसा बना देंगे कि वो किताब से तुम खेलने लगोगे। स्पेक्ट्रम फैक्ट के लिए अच्छी किताब है, उसमें फैक्ट अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। जब कभी एग्जाम करीब आएगा तो एक राउंड पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जब किसी किताब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं पहली बार किताब पढ़ने में, मान लो 100 घंटा लगा, लगना भी चाहिए, दोबारा जब तुम उस किताब को रिवाइज करोगे तब 2 घंटा लगेगा। रिवीजन का मतलब कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक बार फोटो उठा के ये देखना, ये है रिवीजन। अब इसको पढ़ने में हमें कितना घंटा लगा? आधा। इसको रिवाइज करने में 1 मिनट। फोटो देखी तुरंत रिकॉल होने लगा, है ना? चलो ठीक है फिर, 21 से 26 25 क्लास चलेगी। पुणे वाले यहां लाइव, यहां क्लास इस पे चलती है लाइव? अच्छा, इस पे चल सकती है बोर्ड पे? चलो ठीक है फिर, थैंक यू।